हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ भिन्न सभी प्रकार की गुणनखंड वर्गमूल घनमूल भाग विधि और साधारण व्यय चक्रवर्ती व्यय करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि पूरा मैथ इन पर ही चलता है। अगर आपको ये बेसिक सवाल आ रहे हैं तो मैथ का क्वेश्चन कैसा भी हो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सवालों को एक एक करके हल करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरुआत हम जोड़ से करेंगे। तो अगर जोड़ की बात करें तो जोड़ को हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। तो पहले जोड़ हम बगैर आंसुल्लाह करेंगे, उसके बाद आंसुल्लाह का। तो हमारा जोड़ दिया है 162, इसमें हमें जोड़ना है 237। तो हम दाईं तरफ जाएंगे और दो इसमें कितने जुड़ेंगे, 7। तो पहले दो लाइन खींच लें, 1 2। अब इसमें कितने जुड़ेंगे, 7। अब 7 लाइन खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको जोड़ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 की 9 रख देंगे। अब ऊपर संख्या कितनी, 6, इसमें कितनी जुड़ी, 3। तो पहले 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना जोड़ना है, 3। तो 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी लाइन आएगी, 9। 2 इसमें कितनी जुड़ी, 1। तो 2 और 1 कितने आएंगे, 3। तुम्हारा जुड़ गया कितना है, 399। अब हम आंसुल्लाह का जोड़ करेंगे। तो दोस्तों, आंसुल्लाह हमेशा ढाई अंक पे से स्टार्ट होती है। 1 से लेकर 9 तक कोई आंसुल्लाह नहीं होती है। अगर कोई संख्या जुड़कर 1 से लेकर 9 तक आ रही है तो उसमें कोई आंसुल्लाह लेंगे, आंसुल्लाह हमेशा ढाई से स्टार्ट होती है। तो इसमें 6 में कितने जुड़ेंगे, 4। तो पहले 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना जोड़ना है हमें, 4। 4 लाइन खींच लेंगे, तो 1 2 3 4। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जोड़ कितना है, 10। अब हम 10 की 0 लिखेंगे क्या 1 लिखेंगे। तो हमेशा जो संख्या जुड़ के आती है उसका इकाई अंक लिखते हैं। तो 10 का इकाई अंक क्या है, 0। 0 लिख देंगे। 1 बची है, इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। अब 1 1 लाइन खींच लें, अब 7 7 लाइन खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितनी खींचनी, 6। तो 6 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनको टोटल कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल जुड़ के कितना आया, 14। अब 14 का इकाई अंक क्या है, 4। तो 4 लिख देंगे। 1 बची है, इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। तो 9 और 1 कितने, 10। 10 तो यहाँ तक हो गए। अब हमें 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। तो 10 पे से गिनेंगे, जैसे 11 12 13। अब 13 का इकाई अंक क्या है, 3। तो 3 लिख देंगे। 1 बची है, इसको आंसुल्लाह के रूप में इसके रूप में रख देंगे। तो 7 और 1 8। 8 में कितनी जोड़नी, 4। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 9 10 11 12। अब 12 जुड़ के आइए तो लास्ट में संख्या पूरी की पूरी लिखते हैं। तो 12 की 12। अब दोस्तों, हम सीखेंगे घटाव। तो घटाव को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो पहले हम बगैर आंसुल्लाह का घटाव सीखेंगे, उसके बाद आंसुल्लाह का। तो 9 है, इसमें से हमें कितनी घटानी, 4। तो पहले 9 लाइन खींच लेंगे, तो 9 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें कितना करना है, कितना काम करना है, 4। तो 1 2 3 4, 4 लाइन हटा दी। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब 5 5 में से कितना काम करना है, 2। तो पहले 5 लाइन खींच लेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें से कितना काम करना है, 2। तो 2 हटा देंगे। अब कितना बचा, 1 2 3।
अब कितना दिया, चार, चार में से कितना कम करना है, तीन, तो चार में से तीन गया तो कितना बचेगा, एक। इसको तो आप घटा ही लेंगे। अब दोस्तों हम सीखेंगे आंसू लगा घटा। तो सात, सात में से कितना घटाना है, नौ। क्या सात में से नौ घट सकता है, नहीं घट सकता है, क्योंकि सात कैसी छोटी है। अब सात को क्या मान लेंगे हम, सत्रह। जब भी कोई संख्या छोटी हो तो उसको क्या मान लेंगे, जैसे एक को एक को एक होती तो एक को क्या मान लेते, 11। दो होती तो दो को क्या मान लेते, 12। तीन होती तो तीन को क्या मान लेते, 13। चार होती तो चार को क्या मान लेते, 14। इसी प्रकार सात सात को क्या मान लिया हमने, 17। अब 17 में से नौ तो घटा सकते हैं, तो पहले 17 लाइन खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 17। इसमें से हमें कितना कम करना है, 9। तो 9 लाइन हटा देते हैं इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 9 लाइन हमने कम कर दिया। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब दोस्तों जो हमने आसना ली उसको हम वापस करेंगे, तो जो 9 के नीचे कितनी संख्या, दो, दो में जोड़ देंगे उसको, तो दो में एक जोड़ देंगे तो कितनी है, तीन। तो अब 9 में से हमें कितना घटना है, घटाना है तीन। तो पहले 9 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें कितना काम करना है, तीन, तो तीन लाइन हटा देंगे, 1 2 3, तीन हटा दिए। अब कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6, इसको रख देंगे। अब चार में से तीन गया तो कितना बचेगा, एक, तो हमारा घटकर कितना आया, 168। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम गुणा। गुणा को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, तो पहले छोटे गुणा करेंगे उसके बाद बड़े गुणा। तो पहले हम गुणा करेंगे 7 गुणा 2, तो 2 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो 7 दूनी 14, तो 14 की 14 लिखेंगे क्योंकि संख्या एक ही है। अब 12 का गुणा किससे करेंगे, 10 से। तो पहले 0 का गुणा करेंगे इन संख्याओं से, फिर 1 का गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो उस संख्या को 0 बना देती है। तो 0 गुणा 2 से करेंगे तो 0 बन जाएगी, 0 गुणा 1 से करेंगे तो 0 बन जाएगी। अब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही की हुई आएगी, तो 2 की 2 1 की 1। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, तो 0 की 0, 2 की 2 और 1 की 1, तो हमारा आंसर आया 120। दूसरा गुणा दिया है हमारा 124, इसका गुणा करना है हमें 120 से। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया कोई भी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका गुणा हम 0 से कर देते हैं तो वह संख्या को 0 बना देती है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3, तो डायरेक्ट हम 3 0 लिख देंगे, 1 2 3। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 2 1 2 2 4, 2 3 6 2 4 8। 2 का गुणा आप किससे करेंगे, 2 से 2 2 4। अब 2 का गुणा किससे करेंगे, 1 से 2 1 2। अब गुणा के चिन्ह कितने लगाएंगे, 2। अब 1 का गुणा किससे करेंगे, इन संख्याओं से, तो 1 का गुणा करेंगे तो संख्या हुई की हुई आएगी, 4 की 4, 2 की 2, 1 की 1। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, 0 की 0, 8 की 8, 4 4 8, 2 2 4, 1 1 सॉरी 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14,880। तो दोस्तों नेक्स्ट गुणा है हमारा, तो 0 0 को गुणा इन सभी संख्याओं से करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं से, फिर 6 का गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं से, उसके बाद हम 5 का गुणा करेंगे, एक एक करके सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो पहले 0 से कर लेते हैं, तो कभी भी कोई संख्या हो उसका गुणा 0 से कर देते हैं तो वो संख्या को 0 बना देती है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3, तो डाट 3 0 लिख लेते हैं, 1 2 3। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 2 से 4 से गुणा करें तो 4 2 8, 2 2 4, 2 से 1 से करें 2 1 2। अब गुणा के चिन्ह कितने लगाएंगे, 2। गुणा के चिन्ह बढ़ाते चलेंगे जितनी संख्या होगी। अब 6 का गुणा करेंगे,
चार से तो छः चौक चौबीस, चौबीस की क्या लिखेंगे चार, आंसू ला की दो, इसको रख देंगे इसको। अब चार गुणा किससे करेंगे, दो से छः दुन्नी बारह, और बारह में दो जोड़ेंगे तो कितने तेरह चौदह, तो चौदह ही क्या लिखेंगे चार, एक आंसू ला इसको यहाँ रख देंगे। अब छः का गुणा किससे करेंगे, एक से छः एकम छः, और छः में एक आंसू लाई जोड़ेंगे तो कितनी जाएंगी सात। अब गुणा के चिन्ह कितने लगाएंगे, तीन लगाएं क्योंकि पहले दो लगाए थे, एक एक बड़ा चलेंगे। अब पाँचा गुणा किससे करेंगे, चार से तो पाँच चौक बीस, तो बीस की क्या लिखेंगे जीरो, दो दो को आंसू लाई के रूप में लिख लेंगे। अब पाँचा गुणा किससे करेंगे, दो से तो पाँच दुनी दस, दस में दो जोड़ेंगे तो ग्यारह बारह, बारह की क्या लिखेंगे दो, एक आंसू लाई यहाँ रख देंगे। अब पाँचा गुणा किससे करें, एक से पाँच एकन पाँच, और एक आंसू लाई जोड़ेंगे तो कितने आएंगे छः। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो जीरो की जीरो, आठ की आठ, चार चार आठ, चार दो छः, सात दो नौ, और छः की छः। दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स अब सीखेंगे हम भाग, तो भाग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं डिवाइड। तो भाग लिया है हमने तीन का, तो तीन का भाग पहले छः में देंगे, फिर सात में देंगे, उसके बाद आठ में, फिर नौ में, उसके बाद चार में, तो एक एक करके सभी संख्याओं में देंगे। तो तीन का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो छः से ज़्यादा नहीं हो जाए, बराबर मिल जाए तो उसको लिख सकते हैं। तो तीन गन तीन, तीन दुनी छः, छः की छः मिल गई बराबर हमारे नियम में, क्योंकि बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो छः की छः कितनी बार गया है, तीन दुनी छः दो बार। अब छः में से छः घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे सात का। तो तीन का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो सात से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो तीन एकन तीन, तीन दुनी छः, तीन तरह का नौ, तो तीन तरह का नौ कैसी रही ज़्यादा, तो फिर क्या करेंगे छोटी संख्या ही लिख लेंगे। तो तीन दुनी छः कितनी बार गया है, दो बार। अब इसको हम घटाएंगे तो सात में से छः गए तो कितना बचेगा एक, उतारा लेंगे आठ का। अब संख्या बनेगी अठारह, तो तीन का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो अठारह से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो तीन गन तीन, तीन दुनी छः, तीन त्रक नौ, तिचौक बारह, ति पाँच पंद्रह, तिचंक अठारह, अठारह की अठारह मिल गई, बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो अठारह की अठारह लिख दें, कितनी बार पढ़ा पढ़ा छः बार, इसको लिख दें छः। अब अठारह में से अठारह घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे नौ का। तो तीन का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो नौ से ज़्यादा नहीं जाए, तो तीन गन तीन, तीन दुनी छः, तीन तरह का नौ, हमें नौ की नौ मिल गई तो इसको हम लिख लेंगे क्योंकि बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो नौ की नौ कितनी बार पढ़ा है, पढ़ा तीन बार, नौ में से नौ गए तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, उतार लेंगे चार का। तो तीन का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो चार से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो तीन गन तीन, तीन दुनी छः, छः कैसी रही ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे तीन एकम तीन, कितनी बार गए एक बार। अब इसको घटाएंगे, चार में से तीन गए तो कितना बचेगा एक, तो अब कोई संख्या बची है नहीं बची है, तो एक हमारी क्या है शेष फल है, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब हम बड़ी संख्याओं का भाग करेंगे, तो हमारा भाग दिया है बारह का, तो बारह का भाग क्या दो में चले जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बारह से दो कैसी छोटी है, तो अब क्या करेंगे, तो संख्या बढ़ा लेंगे, तो यहाँ कितनी है दो, एक और बढ़ा लेंगे तो अब संख्या कितनी आएगी सत्ताईस, तो अब तो संख्या बारह से बड़ी होगी, तो बारह का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो सत्ताईस से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो बारह का ना बारह, बारह दूनी चौबीस, बारह तिया छत्तीस, छत्तीस के सीरी ज़्यादा, तो फिर क्या लिखेंगे बारह तिया वो बारह दूनी चौबीस, क्योंकि बारह तिया छत्तीस से ज़्यादा हो रही है, तो चौबीस कितनी बार गया है दो बार। अब इनको घटाएंगे, सात में से चार गई तो कितना बचेगा तीन, दो में से दो गए तो कितना बचेगा कुछ नहीं, उतारा लेंगे आठ का, संख्या कितनी बनेगी अड़तीस। तो बारह का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो अड़तीस से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो बारह का ना बारह, बारह दूनी चौबीस, बारह तीय छत्तीस, बारह चौक अड़तालीस, अड़तालीस कैसी रही ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे बारह तीय छत्तीस, तो कितनी बार गया है तीन बार, तीन यहाँ लिख देंगे। अब इनको घटाएंगे, आठ में से छः गए तो कितना बचेगा दो,
तीन में से तीन गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे तीन का, तो संख्या कितनी बनेगी 23। तो 12 का पारा ऐसा पढ़ो जो 23 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 24 कैसी ज़्यादा हो रही, तो क्या लिखेंगे 12 एकम 12। अब नो कटाएंगे, तीन में से दो गए तो कितना बचेगा एक, और दो में से एक गए तो कितना बचेगा एक। अब कोई संख्या बची है, नहीं बची है, तो 11 हमारा क्या है शेषफल, तो इसको लिख देंगे हम शेषफल। तो अब सीखेंगे हम एलसीएम, तो पहले एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं। तो एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। अगर एलसीएम की फुल फॉर्म जानेंगे तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और कोई संख्या लेते हैं जैसे 12, 16 और 18, तो इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12, 16 कमा 18, तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो पहले दो से शुरुआत करेंगे, तो दो से देखेंगे क्या कोई संख्या दो से कट रही है, तो दो का भाग 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 6 बार, दो का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 8 बार, दो का भाग 18 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 9 बार। अब भी दो से संख्या कट रही है, तो दो का भाग 6 में देंगे तो कितनी बजे 3 बार, दो का भाग 8 में देंगे तो कितनी बजे 4 बार। क्या दो से 9 कट रही है, नहीं कट रही है, तो 9 की 9। दो से 3 कट रही है, नहीं कट रही है, तो 3 की 3। दो से 4 कट रही है, कितनी बार कट रही है 2 बार। दो से 9 कट रही है, नहीं कट रही, तो 9 की 9। 3 की 3 2 एकम 2 और 9 की 9। अब इन संख्याओं को 3 से काट देंगे, तो 3 एकम 3, 1 की 1 3 तरक्का 9, 3 1 1 3 एकम 3। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 2 2 के कितने अंक आए, 1 2 3 4, 3 कितने 2, 2 4 4 8 8 16, 16 3 48, तो 48 3 144, तो 12 16 18, तो इनका एलसीएम कितना है 144 एलसीएम इनका। तो दोस्तों नेक्स्ट संख्या है 20 30 15, तो इनका भी हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो 20 30 और 15। तो पहले दो से काटे हैं, क्या कोई संख्या दो से कट रही है, तो दो का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 10 बार, दो का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 15 बार। दो से 15 कट रही है, नहीं कट रही, तो 15 की 15। अब दो का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 5 बार, 15 तो कट रही नहीं, तो 15 की 15 15 की 15। अब 3 से काटेंगे, तो 3 से 5 कट रही है, नहीं कट रही, तो 5 की 5, लेकिन 15 कट रही, तो 5 15 तो 5 15। अब 5 को 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 2 3 और 5, 2 4 4 3 12 12 5 60, तो 20 30 और 15, तो इनका एलसीएम कितना निकल गया है 60, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। तो एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। अगर इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म जानेंगे तो हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर तो दोस्तों हमारी संख्याएं 16, 24, 36, इनका एचसीएफ निकालेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो इनको लिख लेंगे पहले 16, 24, 36। तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। तो ऐसी संख्या चुनेंगे जो तीनों को काट सके। तो 2 से 16 भी कट रही है, 24 भी कट रही है, 36 भी कट रही है, तो 2 से इनको काट लेते हैं। तो 2 से 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। क्या संख्या अब भी 2 से कट रही है, कट रही है संख्या, 8 भी कट रही है, 12 भी कट रही है, 18 भी कट रही है। तो अब काट लेंगे, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार। और 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो अब भी ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है। तो कोई और संख्या इनको काट सकती है 3 से, 3 से भी नहीं कट रही है। ओनली इन संख्याओं को एक काट सकती है, और कोई संख्या इनको काट नहीं सकती। तो 1 से काटेंगे तो संख्या हुई की हुई आ गई 4 की 4, 6 की 6, 9 की 9। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 × 2 × 1, तो 2 × 2 = 4, और 4 × 1 = 4। तो हमारा एच सी एफ निकले क्या है, 4। अब दोस्तों एच सी एफ हम भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो संख्या को हम इन्हीं संख्याओं को लेंगे, 16, 24, 36। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 16। 16 से बड़ी संख्या कौन सी, 24। तो 16 का भाग किसमें देंगे, 24 में। तो 16 का भाग देंगे 24 में, तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। 16 × 16, इनको घटाएंगे 6 में से, 4 में से 6 कट रही है, नहीं कट रही, तो 4 को क्या मान लेंगे, 14। 14 में से 6 गई तो कितना बचेगा, 8। 1 × 16 = 21 में ले लेंगे, तो 2 में से 2 गई कितना बचेगा, कुछ नहीं। अब 8 का भाग किसमें देंगे, 16 में, तो 8 × 2 = 16, तो कितनी बार गया, 2 बार। तो 8 से 16 पूरी तरह कट गई। अब संख्या कितनी बची है, 36। तो 36 में भाग देंगे 8 का, तो 36 लिख लेंगे, उसमें भाग देंगे 8 का। तो 8 × 8, 8 × 2 = 16, 38 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40 के सीरी ज़्यादा, तो 8 × 4 = 32। तो 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 4। 3 में से 3 गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब 4 का भाग किससे बनेंगे, 8 में, 4 × 2 = 8, कितनी बार गए, 2 बार। 8 में से 8 गए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो किस संख्या से शेषफल शून्य आए, 4 से। तो जिस संख्या से शेषफल शून्य आता है वही हमारा एचसीएफ रहता है। तो 16, 24, 36, इसका एचसीएफ कितना निकल गया है, 4। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद भिन्न का घटाव, उसके बाद भिन्न का गुणा, उसके बाद भिन्न का भाग। तो पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो 1/2 + 3/5, ये हमारी भिन्न है। तो भिन्न की शुरुआत हम एलसीएम से करते हैं। तो जो बट्टी की संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। तो बट्टे की संख्या कौन सी है, 2 और 5। तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो दोनों संख्या अलग अलग हैं, तो इनका हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 5 से। तो 5 × 2 = 10, तो 10 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। ऊपर क्या लिखी है, 1, 1 की 1 लिख देंगे। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 से ऊपर गुणा कर देंगे, प्लस की प्लस, ऊपर संख्या क्या लिखी है, 3, तो 3 की 3 लिख देंगे। 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 10 की 10, 5 × 5, प्लस की प्लस, 3 × 6,
दस की दस, 6 और 5 कितने जाएंगे, 11 है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब हम करेंगे बिन का घटाव। तुम्हारी बिन है 7/9 माइनस 4/3, तो जो बट्टी की संख्या है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टी की संख्या कौन सी है, 3, 9, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 9, तो 2 से तो कटेगी नहीं कोई संख्या, तो 3 से ही काटेंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अब 3 को 3 से ही काट देंगे, तो 1 की 1 3 एकम 3, तो 3 गुणा 3, इनका गुणा करें 3 त्रिका 9, तो फाइनली हमारा हमारा एलसीएम निकल गया है 9। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो 9 बराबर की बराबर, ऊपर संख्या क्या लगेगी, 7, 7 की 7 लिख देंगे। अब 9 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 से ऊपर गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 4 की 4, 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे। अब इसको सरल बना लेते हैं, 9 की 9, 7 एकम 7, माइनस की माइनस, 4 तीय 12, 9 की 9। तो दोस्तों इसमें देखेंगे प्लस की संख्या छोटी है और माइनस संख्या बड़ी है, तो माइनस के 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5, वो भी संख्या माइनस की बचेगी क्योंकि माइनस संख्या कैसी है, बड़ी है। तो हमारा आंसर है माइनस के 5/9, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम बिन का गुणा। तुम्हारी बिन है 4/2 गुणा 3/5। तो जब भी बिन गुणा के रूप में हो तो अंश का गुणा अंश से करते हैं, हर का गुणा हर से करते हैं। तो अंश क्या है, जो ऊपर की संख्या होती है वह अंश होती है और जो नीचे की संख्या होती है वह संख्या हर होती है। तो 4 और 3 क्या, ये संख्या अंश है और 2 और 5 ये संख्या हर हैं। तो 4 गुणा 3/2 गुणा 5, तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो 4 तीय 12 और 5 दूनी 10, तो 12/10। अगर दोनों संख्या किसी संख्या से कट रही है तो इसको काट सकते हैं, जैसे 12 2 से कट रही है 6 बार और 10 2 से कट रही है 5 बार। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 6/5, ये हमारा क्या आंसर है। तो अब हम सीखेंगे बिन का भाग। तुम्हारी बिन है 4/5 भागित 3/2, तो 4/5, तो इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो इस गुणा का चिन्ह लगा दिया तो संख्या क्या है, 3/2, अब संख्या क्या हो जाएगी, 2/3। अब इस संख्या हमारी किस रूप में आ गई, गुणा के रूप में। अब इनका गुणा कर लेंगे, अंश गुणा अंश से करते हैं, हर का गुणा हर से करते हैं। तो 4 गुणा 2/5 गुणा 3, तो इनका गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 5 तीय 15, तो हमारा आंसर आ गया है 8/15, ये हमारा आंसर निकल के आया है। तो दोस्तों अब हम मिश्रित वर्ण पढ़ेंगे। तुम्हारी मिश्रित वर्ण है 4 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/4। तो जो बट्टी की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टी की संख्या कौन सी है, 2, 2, 4। तो पहले इसको हम पहले सरल बना लेते हैं। तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8, ऊपरी संख्या जुड़ जाती है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी आई, 9, तो 9/2। माइनस की माइनस, 2 का गुणा किससे करें, 1 से, तो 2 एकम 2, ऊपरी संख्या जुड़ जाएगी, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2। प्लस की प्लस, तो 4 का गुणा किससे करेंगे, 3 से 4 तीय 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 14, 14/4। अब जो बट्टे की संख्या उनका एलसीएम लेंगे 2, 2, 4। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि छोटी वाली संख्या के पाड़े में अगर बड़ी वाली संख्या आ रही है तो उसका एलसीएम बड़ी वाली संख्या रहता है। तो 2 के पाड़े में 4 आ रही है तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, 4। तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेंगे क्या, 4। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार, 2 बार,
दो से नौ से गुणा करते हैं, नौ दूनी 18, माइनस की माइनस दो का भाग चार में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, दो बार, दो का गुणा तीन से करें दुती है छः, प्लस की प्लस चार का भाग चार में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, एक बार, एक से 14 से गुणा करें तो 14 की 14, चार की चार 14 प्लस की 18 प्लस की है, इनको जोड़ लेंगे तो कितने जाएंगे, तो चार आठ 12 की दो और दो दो एक आंसू लगी 3, तो 32 माइनस 6। अब 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस संख्या बड़ी है, तो अगर आंसर दोनों संख्या कटनी है किसी संख्या से तो इनको काट सकते हैं, जैसे दो से 26 कितनी बार कटी, 13 बार, दो से चार कितनी बार कटी, दो बार, तो 13/2 हमारा क्या है, आंसर है। तुम्हारी मिश्रित विनती, तो आंसर भी हमारा मिश्रित बिंद में ही आएगा, तो दो का भाग किसमें देंगे, 13 में, तो कितनी बार जा रहे हैं, दो चक्के 12, 6 बार, तो कितना बची, एक, तो शेषफल हमारा कितना बचा, एक, किससे भाग दिया है हमने, दो से, और कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 से 1/2 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम गुणनखंड, तो गुणनखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं, तो इसके लिए हमने संख्या ली है 576, इसके हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो लिख लेते हैं 576, तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, अब दो से 576 में भाग देंगे, तो दो का भाग पहले 5 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, दो बार, एक से बल बचेगा तो यहाँ कितनी बनेगी, 17, अब दो का भाग 17 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और तो 17 में से 16 आ गई तो कितना बचा, एक, तो यहाँ कितनी आएगी, 16, तो दो का भाग 16 में देंगे तो कितनी आ जाएगा, 8 बार, तो संख्या कितनी आएगी, जाएगी 288, अब 288 को भी दो से काटेंगे तो दो एकम दो, दूनी चार, दूनी चार, अब दो का भाग इसमें देंगे तो दो का भाग एक में तो जा नहीं रहा तो किसमें देंगे, 14 में, तो दो से 14 में भाग देंगे तो 7 बज जाएगा, दो का भाग 4 में देंगे तो कितना बज जाएगा, दो बार, दो का भाग 72 में देंगे तो कितनी बज जाएगा, 36 बार, अब दो का भाग 36 में देंगे तो कितनी बज जाएगा, 18 बार, दो का भाग 18 में देंगे तो कितनी बज जाएगा, 9 बार, अब दो से संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो तीन, तो 9 को किससे काटेंगे, 3 से, तो तीन तरह का 9, 3 एकम 3, इनका हम गुणा कर लेंगे तो दो दो के अंक कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 3, 3 के, तो इनको लिख लेंगे 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, तो इनका गुणा कर लेते हैं, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, यहाँ तक कितना आ गया, 64, और 3 × 9, इनका गुणा कर लेंगे, 9 × 34 = 6 और 9 × 54, 54 में 3 जोड़े तो कितनी आएगी, 57, तुम्हारा गुणनखंड कितने निकल का है, 576। अगर गुणा करने पर वही संख्या मिल जाती तो तुम्हारा गुणनखंड सही है, अगर संख्या अगर मिलती है तो हमारा गुणनखंड गलत है, तो मैं 576 की 576 मिल गई, तो 576 के एक क्या निकल गए, खंड निकल गए। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम वर्गमूल, तो वर्गमूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, तो वर्गमूल के लिए हमने संख्या ली है 729, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले 729 को लिख लेंगे, 729, तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, अब 729 दो से कट रही है, नहीं कट रही है क्योंकि 729 के पीछे कितना है, 9, तो 729 तीन से कट रही है, तो 729 में 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग पहले 7 में देंगे तो 3 × 6 कितनी बार जाएगा, दो बार, तो 7 में से 6 गई तो कितना बचेगा, 1, तो यहाँ संख्या कितनी बनी जाएगी, 12, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 × 12, अब 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी हो जाएगा, 3 बार, 3 तरह का 9,
अभी 3 से कटाई 3 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 3 एकम 3, 81 भी 3 से कट रही है, 3 दुनी 6 और 2 बचेगी तो कितनी आई 21, तो 7 21, 27 भी 3 से कट जाएगी, 3 तरक्का 9, और 9 को भी 3 से काट देंगे तो 3 तरक्का 9 और 3 एकम 3। अब तो वर्गमूल में इनकी हम पेयर बनाते हैं तो 3 के कितने पेयर बने, 1 2 3, तो इनमें से एक एक संख्या उठा लेंगे तो 3 3 3, तो कितने पेयर बने, 1 2 3, तो तीनों में से एक एक संख्या ले ली तो इनका गुणा करेंगे तो 3 तरह का 9 9 27, तो 729 का वर्गमूल कितना निकल का आया है, 27। इसका क्या ये वर्गमूल है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम घनमूल, तो घनमूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। तो इसके लिए संख्या हम 216 लेते हैं, तो 216 का हम क्या निकालेंगे, घनमूल, तो 216 लिख लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, तो क्या 216 दो से कट जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि अंत में क्या है 6 सम संख्या है, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बजाय, 1 बार, अब 2 का भाग 1 में चलेगा नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा के 2 संख्या बढ़ा लेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 16, तो 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बजाएगा, 8 बार, अभी 2 से कटेगी तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बजाएगा, 5 बार, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बजाएगा, 4 बार, 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बजाएगा, 2 बार, 1 बचेगी तो ये संख्या कितनी बनेगी, 14, तो 2 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बजाएगा, 7 बार, तो संख्या कितनी आएगी, 27। क्या 27 दो से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो अब 27 में भाग देंगे 3 से, तो 3 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बजाएगा, 9 बार, 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बजाएगा, 3 बार, और 3 एकम 3। तो घनमूल में त्रिक जोड़ा त्रिक बनाते हैं, तो 3 संख्या का त्रिक बनाएंगे, तो एक त्रिक से 2 2 का 2 का बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है 3 का, तो इनमें से एक एक संख्या उठा लेंगे तो 2 और इसमें से 3, तो 2 3 6, तो 216 किसका घनमूल है, 6 का, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम भाग विधि, तो भाग विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन, डिवीजन मेथड। तो इसके लिए संख्या लेते हैं हम 33 64, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा, तो इसको लिख लेंगे 33 64, तो एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, इसमें क्या पेयर बनाएंगे, तो 64 का भी पेयर बनना है, 33 का बनना है, तो अब ऐसा वर्ग देखेंगे जो 33 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, तो 6 का वर्ग क्या हो रहा है, ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग लिख लेंगे, तो 5 का वर्ग 25, तो जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसको ऊपर लिख देंगे और उसी संख्या को डबल करके जोड़ देंगे, तो 5 5, तो 5 5 कितने आएंगे, 10। अब इनको घटाएंगे तो 3 को क्या मान लेंगे, 13 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8, एक हौसला इसमें जोड़ लेंगे तो 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे 64 का, इसमें हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं। अब 10 को लेके चलेंगे और 1 से 10 तक संख्या चेक करेंगे, तो पहले 1 से करेंगे तो 1 आगे लेके जाएंगे, 1 पीछे लेंगे, तो वो संख्या बहुत छोटी आ रही है, हमें कितनी चाहिए, 864, तो हम यहाँ से अनुमान लगाएंगे इसके पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रही है, तो हम देखेंगे किस संख्या के वर्ग के पीछे 4 आती है, तो एक तो 2 के वर्ग के पीछे 4 आती है, एक 8 के वर्ग के पीछे आती है, तो इन दोनों संख्याओं से गुणा करके देख लेते हैं पहले, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 4 0 2, ये संख्या तो बहुत छोटी है, अब हम 8 से गुणा करेंगे तो 10 को लिख लेंगे और 8 आगे 8 पीछे, तो 8 2 64 और 8, तो 864 मिलेगी हमें किससे, 8 से,
864 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 8। अब इनको घटाएंगे तो 864 में से 864 तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। और किसका किससे गुणा करने से मिली हमें 8, तो 8 को डबल कर देंगे और जोड़ देंगे, तो 1 से 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 1 से 16, तो 33 और 64, इसका वर्गमूल कितना निकल के आए 58। यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज क्या दिया है हमारा, 4000 रुपये का 8% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो 3 वर्ष के लिए। तो हल, तो इसमें देखेंगे पहले मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है 4000 रुपये और दर दर कितना दिया है, दर 8%, और समय समय कितना दिया है, समय दिया है 3 बरस। तो दोस्तों अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे में 100। तो मूलधन कितना दिया है 4000, तो मूलधन की जगह लिख देंगे 4000। गुणित दर कितना दिया है 8, तो दर की जगह पे 8 लिख देंगे। समय 3, तो समय की जगह 3 वर्ष। बट्टे में 100 की 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ क्या संख्या बची 40, यहाँ 8 और यहाँ 3, तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो 40 अड़ती है 24। अब 40 का 24 से गुणा कर लेते हैं, तो डाट गुणा कर लेते हैं इनका, 16 की 6 और 4 दुनी 8, 9 जीरो, तो 960 रुपये क्या आ गया हमारा, 960 रुपये हमारा ब्याज निकल के आया है। अगर वह मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन कैसे निकालते, तो मिश्रधन के लिए मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है हमारा 4000, ब्याज कितना निकला है 960, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4960 रुपये हमारा क्या है टोटल अमाउंट है। तो दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पढ़ेंगे 1000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो इसमें देखेंगे कि मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, तो पी, तो मूलधन कितना दिया है 1000 रुपये। दर, दर को आर से दर्शाते हैं, तो दर कितना दिया है 10%। और समय, समय को एन से दर्शाते हैं, तो समय कितना दिया है 2 वर्ष। और क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टकम 1 + r/100 और घात n की। इसमें देखेंगे कि पी का मान कितना दिया है 1000, तो पी की जगह पे क्या लग देंगे 1000, कोष्ट ही कोष्टक 1 की 1 प्लस की प्लस, r का मान कितना दिया है 10, तो r की जगह 10 और 100 की 100 और n का मान कितना दिया है 2,
तो एन की जगह लिख देंगे दो, तो 1000 की 1000, तो 100 एकम 100, 100 में 10 जाएगी तो कितनी, 110/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, वर्ग की वर्ग, तो 1000। अब क्या बचेगा, 11/10, इसमें स्केल लगाए तो 1000, अब उसको वर्ग लगाया तो कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, तो 11/10 × 11/10, तो 1 0 से 1 0 कट जाए, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यहाँ के कितना बचा है 10, यहाँ कितना बचा है 11 × 11, तो 10 ग्यारह ग्यारह गुणा करें तो 121। अब इसका गुणा गुणा करेंगे 10 से, तो कितना आंसर आएगा, 1210 रुपये हमारा क्या आ गया, हमारा क्या निकल गया है, मिश्रधन। अगर वह ब्याज पूछता तो ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज ए माइनस पी, तो ए कितना निकल गया है 1210, और पी कितना है हमारा 1000, तो 1200 में से 1000 गया तो कितना बचेगा, 210 रुपये हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज निकल के आया है। तो दोस्तों हमारा यही क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी बेसिक नॉलेज मिले। जय हिंद।